हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं TTML कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी की अभी करंट प्राइस जो चल रही है 91.30 रुपये, स्टॉक में 1.70% के आसपास मतलब कि गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक काम क्या करता है तो आप सभी जानते हो, आप देख सकते हो। कंपनी जो है यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडर है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो आपको देखने को मिलेगा कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और टाटा ग्रुप ने जो है BSNL का सिम का जो है पूरा कारोबार ले रखा है, तो आपको इस चीज़ में देखने को मिलेगा। सबसे अगर हम बात करते हैं तो NSE BSE में कंपनी लिस्टेड है। मिड कैप स्टॉक है 17,848 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। स्टॉक की 52 वीं हाई की बात करते हैं तो 111 रुपये है। 52 वीं लो की बात करते हैं तो 65 रुपये। स्टॉक की पी कुछ भी नहीं सो रही हो रही, बुक वैल्यू इसकी माइनस में डिविडेंड कंपनी देती है। और उसी की बात करें तो 47.9 निकल के आती है, बुक वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये है। लास्ट ईयर में स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, पर 3 ईयर्स की बात करते हैं तो स्टॉक गिरावट में ही स्टॉक देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ बननी देख रही है, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से परफॉर्म करता है तो स्टॉक में काफ़ी हाई टारगेट देखने को मिल सकता है, ओनली 300 तक स्टॉक जा सकता है आने वाले 102 साल में। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें सेल्स कंपनी की ठीक ठाक है, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। एंड अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हालांकि इस टाइम पे माइनस में है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ईयरली बेसिस, सेल्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट इसका माइनस में ही है। सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुए हैं, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में, CAGR रिटर्न ठीक ठाक है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे माइनस में, कर्जा कंपनी का इस टाइम बढ़ गया है, एंड टोटल एसेट कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज हुए हैं। साथ में बात करते हैं यहाँ पे नेट कैश फ्लो प्लस में ही है। एंड अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न्स की तो प्रमोटर्स की 74% की होल्डिंग है, साथ में FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे 2.38% कर रखी है, एंड DII ने 0.7%। पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक 23.19%। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर आप देखते हो 2 से 3 साल में तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक अभी 100 रुपये है तो 300 रुपये 400 रुपये जाने में से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, देनी है वीडियो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप बाई करते हो तो अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लेना। एंड यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला, इसी लेवल पर ट्रेड करेगा। 60-65 रुपये अगर कभी आता है तो आपको बाई कर लेना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टॉक इससे नीचे और जाने वाला नहीं है। अभी स्टॉक यहाँ से जो हाई लगाएगा वो 200+ ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक में अब यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है कुछ टाइम बाद, जो स्टॉक 300 तक ऑलरेडी जा सकता है। तो हालांकि मैं एक बात बोलूँगा कि ज़्यादा पैसे इसमें डालने नहीं, 2-4-10 हज़ार रुपये आप जो भी आप जिस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिस तरह का आपके पास फंड हो उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।